चलिए नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को ना दो तरीके से कर सकते हो, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में बच्चों के पैर स्प्लिट हो जाते हैं स्क्वायर रूट देख के, स्क्वायर रूट देख के ना हो जाता है उनको कि ये नहीं हो पाएगा। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो ये प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से पहले दिया गया है। हाँ तो इसको आप चाहो तो मैं दोनों तरीके से करूँ या नहीं एक ही तरीके से करूँ डिस्क्रिमिनेंट? ठीक, हमने ऐसे भी किए, हम जब पढ़ते थे ना तब हम ऐसे प्रॉब्लम भी हमारे सर हमको देते थे करने। हाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही, मतलब डरना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए उसको। तो क्या करूँ, करके दिखाऊँ, सिखा दूँ? ठीक है तो चलो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवा दो, क्या है 3x² - 2√6x + 2 = 0। अभी ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ए बी और सी क्या होगा? ए थ्री बी माइनस टू अंडर रूट सिक्स और सी कितना है? टू। तो ए मल्टीप्लाई सी यानी कि क्या, 3 × 2 यानी कि 6। अभी 6 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हमें बी मिले, हाँ बी इज इक्वल्स टू -2√6 मिले। अभी 6 को तुम जानते ही हो कि हम √6 √6 लिख सकते हैं, तो ऐसे ही तोड़ दे। तो यहाँ पे भी -√6 और यहाँ पे भी -√6 रख दे, तो माइनस माइनस प्लस √6 √6 -1√6 - 1√6 -2√6 सही है। तो ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो गया, तो इसको यहाँ पे रखते जाओ। सो 3x² - 2√6x + 2 = 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है ऑलरेडी। सो 3x² - √6x + 2 इज इक्वल्स टू जीरो। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं निकालने को कॉमन, तो अभी इसको और तोड़ो। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 √3 × x². √6 को क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट को, वो याद करो। √6 को क्या हम √2 √3 नहीं लिख सकते, याद है? √2 √3 × x, इसको भी ऐसे ही लिखें √2 √3 x। और 2 को क्या लिखें? √2 √2 सही है। पहले दो में क्या कॉमन है और आखिरी दो में क्या कॉमन है? अब तो कॉमन निकाल ही सकते हो, √3 x √3 x। तो ये हो गया √3 x, बचा क्या? √3 x - √2। यहाँ पे माइनस क्या निकलेगा कॉमन? √2 कॉमन, सिर्फ √2। तो बचेगा क्या? √3 x - √2 = 0। √3 x - √2 √3 x - √2 कॉमन का कॉमन महाकॉमन, √3 x - √2 कॉमन। तो बचा क्या? √3 x - √2 √3 x - √2 = 0। अभी या तो ये जीरो होगा या तो वो जीरो होगा, ठीक है, और दोनों एक से ही हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं √3 x - √2 = 0 या फिर √3 x - √2 = 0? -√2 को सामने भेज दो और √3 को डिवाइड में ले लो, तो x = √2/√3 और x = √2/√3। सो x = √2/3 या फिर x =
स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। पर टीचर क्या करता है, जब भी इस चैप्टर को चलाता है तो पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से बच्चों से मेहनत करवाता है, और मेहनत करवाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट मेथड की जड़ी बूटी देता है, क्योंकि सीधे सीधे दवाई का मज़ा नहीं होता, पर दर्द के बाद दवाई का मज़ा होता है। तो पहले दर्द, बाद में दवाई, है कि नहीं? तो ये दर्द आपने सह लिया, लिखना है, लिख लो, लिख लो, लिख लो, बाद में वो वाले करते हैं डिस्क्रिमिनेट। हाँ, लिख तो दिया। अरे इसी को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी तो करना है, पहले दर्द बाद में दवा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको अगर करना हो तो शुरुआत के प्रोसीजर तो सेम ही है, तो ए बी और सी की वैल्यू बता दो। बी सी ए की 3, बी की -2√6 और सी की 2। डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ पे d क्या है, वेर d इज इक्वल टू व्हाट, b² -4ac। b क्या है, -2√6 टू द होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, 3, और c की वैल्यू क्या है, 2। सिंप्लीफिकेशन करो, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर और रूट सिक्स का स्क्वायर, सिक्स हो जा 24। ठीक है, 4 3 2 24 -24 जो कि स्क्वायर है 0 का। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस बी यानी कि क्या, माइनस माइनस 2√6 राइट, प्लस और माइनस √0 डिवाइड बाई 2a, a यानी कि 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2√6। ये प्लस और माइनस जीरो की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 2 × 3, 2 × 2 विल गेट कैंसिल। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को लिखे √2√3 और 3 को लिखे हम √3√3, √3√3 विल गेट कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ गया, √2/3। और ये है अल्फा और बीटा दोनों, यानी कि दो आंसर्स है इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 0 होते हैं, राइट। तो ये है दवा, लिख लो। पर ये तभी अच्छा लगेगा जब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पहले किया हो और बाद में ये करने को मिले, पहले करते तो इतना अच्छा नहीं लगता। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में ना थोड़ा सा आपको घुमाया है, उन्होंने ये बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। और 4.1 में यहाँ पे जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तभी इस प्रेयर हॉल की बात हुई थी, जिसकी ब्रेड्थ जो है वो x है और लेंथ जो है वो 2x+1 है और इसका एरिया जो है वो 300 m² है। तो बोल रहे हैं इसी प्रेयर हॉल की लंबाई और चौड़ाई बताइए, लेंथ और ब्रेथ आपको ढूंढनी है। कैसे ढूंढे, ये है कौन सा शेप, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ क्या है 2x+1 और ब्रेथ क्या है एक्स, एरिया क्या है 300 m², 300। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर दें, साइड चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट 2x+1 इज इक्वल्स टू 300। सिंप्लीफिकेशन करो, x 2x जा 2x² प्लस x -300 इज इक्वल्स टू 0। अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a, b और c की वैल्यू बता दो, b1 सी -300। अभी डिस्क्रिमिनेंट मेथड हम जान चुके हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही सॉल्व करें, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, √d डिवाइड बाय 2 प्लस और माइनस, वेयर d इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस 2a, वेयर d इज इक्वल्स टू √2
माइनस फोर ए से. सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही ढूंढ लो. तो बी इज इक्वल्स टू व्हाट? रूट क्यों किया? ए सॉरी, हाँ सर रूट नहीं आया. हाँ वो यहाँ का मैंने यहाँ पे कर दिया. चलो बी स्क्वायर माइनस फोर ए से माने क्या? वन स्क्वायर माइनस फोर टू और माइनस 300. सिंप्लीफिकेशन करवाओ. वन स्क्वायर इज वन, फोर टू माइनस माइनस प्लस, फोर टू जो एट थ्री जा टू फोर जीरो जीरो प्लस वन. किसका स्क्वायर है? टू फोर जीरो वन. लॉन्ग डिविजन मैथड, दो दो की जोड़ी, 24 से नजदीक परफेक्ट स्क्वायर. फोर फाइव नहीं, हाँ फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन. सब्ट्रैक्शन करो कितना बचेगा? एट. ऊपर से आ गया जीरो वन. जो नंबर लिया उसी को ऐड करो. फोर प्लस फोर एट डैश मल्टीप्लाई डैश. हाँ वन है तो या तो वन आएगा या तो नाइन आएगा. नाइन आएगा तो यहाँ पे नाइन ले लो. नाइन नाइन जा एटी वन, रिमाइंडर एट. नाइन एट जा टू, सेवेंटी टू प्लस एट एटी. तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन करके जीरो. तो ये आ गया 49. तो ये जो है वो 49 का स्क्वायर है. चलो यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. माइनस बी यानी कि माइनस वन, प्लस और माइनस अंडर रूट डी यानी कि हाँ सीधा लिख देते हैं 49 डिवाइड बाई टू ए. टू ए यानी कि टू टू यानी कि माइनस वन प्लस 49 डिवाइड बाई फोर, या फिर माइनस वन माइनस 49 डिवाइड बाई फोर. ये हो गया 48 डिवाइड बाई फोर, या फिर माइनस 50 डिवाइड बाई फोर. अभी 48 डिवाइड बाई फोर यानी कि 14 सॉरी 12, या फिर ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा माइनस 25 अपॉन टू यानी कि 12.5. पर हम जानते हैं कभी भी लंबाई और चौड़ाई वैसे डेसिमल में हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती. ये पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव का प्रॉब्लम है. तो इसको हम कैंसिल करेंगे. तो ये 12 मिला क्या? x मिला या ये मिला? क्या मिला? x. x है क्या? ब्रेड्थ है. तो ब्रेड्थ हमारी कितनी हो गई? 12 मीटर. तो तुम बता सकते हो लेंथ कितनी होगी? सो लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 यानी कि 12 टू 24 प्लस 1 25. तो ये जो हॉल है काफी बड़ा हॉल है, 25 मीटर 12 मीटर मतलब बहुत बड़ा. नहीं 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 तो यही करो. हाँ बट थोड़ा सजा के, थोड़ा सा अच्छा करके, मेकअप वगैरह करके. हाँ चलो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 का थर्ड. ये सवाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि इस सवाल में लिखा है. हाँ तो जब आपको वही वाला सवाल जो इससे पहले हमने किया दो तरीके से, उसमें भी अगर उन्होंने लिख दिया कि भाई फैक्टराइजेशन, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड नहीं करनी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही करनी है. तो यहाँ पे भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही होगी और रूट टू है. तो स्प्लिट होने के लिए तैयार हो? हाँ फुल स्प्लिट करें. फुल स्प्लिट पता है ना आपको? की है कभी आपसे? होती है क्या फुल स्प्लिट? वो ऐसे ऐसे वो फुल स्प्लिट. हाँ फुल स्प्लिट करो कभी. अगर नहीं हो रही तो ऐसे प्रॉब्लम 3-4 करोगे ना तब होने लगेगी. रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0. ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो बता सकते हो ए बी और सी क्या होगा? हाँ रूट टू सेवन फाइव रूट टू. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है तो ए और सी को मल्टीप्लाई करो. ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू व्हाट? रूट टू मल्टीप्लाई 5√2. कितना हो जाएगा? 10 को ऐसे तोड़ना है हमें कि हमें बी यानी कि 7 मिले. 5 प्लस 2 यानी कि 7
है कि नहीं? तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से 5 और 2 हो गया, बस अभी इसको फिर से कॉपी कर लो। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को अप्लाई करो, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 7x यानी कि 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी दो दो की जोड़ियाँ बनाओ, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, सिर्फ x। अभी आप बोलोगे सर 5 को हम तोड़े तो क्या होगा, रूट फाइव ही होगा, उस केस में भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, रूट टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू, और रूट टू कॉमन निकल सकता है, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, प्लस रूट टू, तो बचेगा क्या, रूट टू एक्स प्लस 5। ना समझ में आया हो तो बताओ, पक्का ना, मैंने इसको डायरेक्ट तोड़ा, एक स्टेप को स्किप किया। अभी यहाँ पे रूट टू एक्स प्लस 5, रूट टू एक्स प्लस 5 कॉमन का कॉमन महाकॉमन, तो ये हो गया रूट टू एक्स प्लस 5, और बचा क्या, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू 0। रूट 5 को सामने, सॉरी 5 को सामने भेजो, रूट 2 को डिवाइड करो, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये है आपके अल्फा बीटा, करण अर्जुन, सही है, लिख लो। चलिए आगे बढ़े, 4.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ। इसमें सिर्फ आपको एलसीएम लेना चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 का एलसीएम लेने में हेल्प कर सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एलसीएम लेना हो तो हर किसी के नीचे 1 ले लो, और 118 का एलसीएम 8, तो इसको सिंप्लीफाई करवाओ, 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाय 8 को उस तरफ ले जाओ तो मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं क्या, नहीं निकल रहा, तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a, b और c की वैल्यू बता दो, 16, a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है माइनस 8, c की वैल्यू है 1। a मल्टीप्लाई c यानी कि 16 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल्स टू 16। 16 को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास माइनस 8 आए, b इज इक्वल्स टू माइनस 8, कितना, माइनस ले क्या रहे हो, 3 6 18 होता है ना, वो तो 16 चाहिए, हाँ 16 चाहिए, 16 को ऐसे तोड़ो कि 8 आए, 4 4 हाँ माइनस 4, तो क्या है ऐसे ले लो, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, माइनस 4 माइनस 8। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए इसको वापस लिख लो, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट कर लो, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो दो की जोड़ी बना के जो कॉमन निकल रहा है वो निकालो, 4x कॉमन तो बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन तो बचेगा 4x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 4, 4x माइनस 1 कॉमन का कॉमन महाकॉमन, और यहाँ पे भी
फोर एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू जीरो, तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो या फिर फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। आपको ये अक्सर होता होगा कि सर सेम ही है तो दो बार क्यों करना है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में जितने हो उतनी बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर या फिर एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो जीरो होते हैं इसलिए दो बार करना पड़ता है, क्यूबिक इक्वेशन में तीन जीरो होते हैं तो तीन बार करना पड़ेगा। इजी लिख लो, चलिए आज का आखिरी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, हाँ तो लेट फर्स्ट नंबर जो है वो x ले लेते हैं और सेकंड जो है वो x प्लस 1 ले लो, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ हूज स्क्वायर, मतलब इसका सम तो करना ही है साथ में स्क्वायर भी करना है, तो x और x प्लस 1 का सम और स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर भी करना है, तो वो आंसर आ जाता है 365। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करवाओ, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, फर्स्ट आइडेंटिटी, एथ स्टैंडर्ड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ विच इज इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस 365 इज इक्वल्स टू, सही जा रहे हैं, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस 365 माइनस 364 इज इक्वल्स टू जीरो। इन तीनों में कुछ, हाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो, टू कॉमन निकल रहा है तो टू कॉमन निकाल दे, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वन जा वन सिक्स, टू एट जा टू टू जा, सही है, विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है कि फैक्टराइजेशन करना है या डिस्क्रिमिनेंट, आप बताओ क्या करना है, जो भी आप बोलो दोनों से हो सके वैसा है, फैक्टराइजेशन करो, तो 182 को तोड़ दो, 182 को तोड़ दीजिए, 2 9 1 0, सही है ना, सही है, फिर 3 9, ओके फिर 7 ले लो, 7 एक मिनट, क्यों 91 है ना टेबल में, सेवन के ना शायद 13 7 91, सही है ना, देखो 7 1 7, 2 1 7 3 13 1, सही है। तो अभी इसको ऐसे तोड़ो कि तुम्हारा 1 आए, ये इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए है हमारा 1, बी है हमारा 1 और सी है हमारा माइनस 182, तो ए मल्टीप्लाई सी करें तो ये हो जाता है 1 मल्टीप्लाई माइनस 182, यानी कि माइनस 182 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमें बी यानी कि 1 मिले, बताओ कैसे तोड़े, 13 14, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13, तो हमें माइनस चाहिए कि प्लस चाहिए, तो 14 को पहले लेना पड़ेगा माइनस 13 को बाद में, हाँ तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ पे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू जीरो। दो दो की जोड़ी और सिंप्लीफिकेशन, x कॉमन निकाले तो x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन निकाले तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 कॉमन का कॉमन महाकॉमन, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 14 या फिर x इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे बॉक्स करने के बाद आंसर कर दोगे तो तुम्हारे ये आधा मार्क्स कट जाएगा।
क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, अगर एक नंबर तुम्हारा माइनस 14 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 1 13, ये है तुम्हारा आंसर 1। या फिर अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 14, तो ये है तुम्हारा आंसर 2। दोनों ही आंसर सही है, सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी है 4-5 प्रॉब्लम है।